Okay, so today we are in the second class of permutation. So we left with this example, right? Window wala. We'll start with example number 4. In how many ways can the letters of the word business be arranged so that the vowels occupy odd place? You need to see first how many odd places are there. So altogether there are 8 letters, right? Business consists of 8 letters. 8 means 4 odd places. 8 means 4 odd places, and we have got only 3 vowels, U, I, and E. So write down total number of letters, 8. Total number of letters, 8. Total number of letters, 8. Number of odd places, 4. Number of odd places, 4. Bracket mein 1, 3, 5, 7. First, comma, second, comma, first, comma, third, comma, fifth, comma, seventh. Number of vowels, U, I, E. Number of vowels, 3, bracket mein U, comma, I, comma, E. I'm so sorry. So, first, arranging vowels in odd places. First, arranging vowels in odd places. First, arranging vowels in odd places in 4P3 ways. In 4P3 ways. And then the remaining 5 letters can be placed in 5 places. And then the remaining 5 letters can be placed in 5 places in 5 factorial by 3 ways. In 5 factorial by 3 ways. In 5 factorial by 3 factorial ways. In 5 factorial by 3 factorial ways. Whenever you are writing this 3 factorial, write down beside it for understanding. Because S is repeating 3 times. 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 Clear? Therefore, required number of ways 4P3 into 5 factorial by 3 factorial. Therefore, required number of ways 4P3 into 5 factorial by 3 factorial. तो जितना आप सम सॉल्व करेंगे उतना आप में कंसिस्टेंसी आएगा सम बनाने में. वी मूव ऑन विद द नेक्स्ट एग्जाम्पल. इन हाउ मेनी वेज कैन 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स बी अरेंज इन अ रो सो दैट द बॉयज एंड गर्ल्स आर प्लेस्ड अल्टरनेटेडली. एक चीज मैं आपको यहां सिखाना चाहता हूं. यहां पे 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स बोला है, करेक्ट? यहां क्या बोला है? 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स बोला है. तो ऑब्वियसली पहले आपको गर्ल्स को ही अरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप गर्ल्स को अरेंज करेंगे, जी 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 जी, 4 लड़कियों को अरेंज करेंगे, आप देखेंगे उनके बीच में आ रहा है 3 जगह और उनके साइड में आ रहा है 2 जगह. यू वॉच दिस. सो ऑल टुगेदर यू आर गेटिंग 5 प्लेसेस टू फिल इन. सो आंसर विल बी वेरी सिंपल. फर्स्ट 4 गर्ल्स आर अरेंज्ड. First 4 girls are arranged. First 4 girls are arranged in 4 factorial ways. In 4 factorial ways. Full stop. Subsequently, we are having 5 places, 3 in between and 2 at the ends. Subsequently, we are having 5 places. 3 in between and 2 at the ends. To arrange 5 ways. Subsequently, we are having 5 places, 3 in between and 2 at the ends. For arranging 5 boys. Therefore, total number of ways is equals to 4 factorial into 5 factorial. 4 factorial into 5 factorial. पहले बॉयज को अरेंज करेंगे तो कैसे होगा?
छह जगह आ जाएगा ना, छह जगह आ जाएगा, दो लड़का साथ में हो जाएगा, ऑल्टरनेटिवली कहाँ आएगा? कैसे भाई हम दिखाओ, चलो पहले बॉयज 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 बॉयज, ये चार लड़की और दो कॉर्नर भी तो आ रहा है, तो मतलब क्या चार ही तो लड़की है, तो फर्स्ट गर्ल सेकंड गर्ल थर्ड गर्ल फोर्थ गर्ल, दो लड़का एक साथ नहीं हो जा रहे तो ऑल्टरनेटली कहाँ हुआ? ऑल्टरनेट का मतलब क्या होता है, बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल या गर्ल बॉय ऐसे करके, ठीक है? तो इसीलिए पहले हम लोग गर्ल्स को अरेंज कर रहे हैं, फोर फैक्टोरियल इंटू फाइव फैक्टोरियल। देखिए वही चीज यहां बोला गया है, इन दिस प्रॉब्लम वी कैन नॉट अरेंज द बॉयज फर्स्ट, इफ वी अरेंज फाइव बॉयज फर्स्ट देन देयर विल बी सिक्स प्लेसेस फॉर फोर गर्ल्स, इन दैट केस बॉयज एंड गर्ल्स मे नॉट बी प्लेस्ड ऑल्टरनेटली, मे नॉट बी प्लेस्ड ऑल्टरनेटली, मे नॉट बी प्लेस्ड ऑल्टरनेटली, क्लियर? वी कैन नॉट अरेंज बॉयज फर्स्ट बिकॉज इफ वी अरेंज बॉयज फर्स्ट वी आर गेटिंग सिक्स प्लेसेस, फोर इन बिटवीन एंड टू एट द एंड्स, इन दैट केस बॉयज एंड गर्ल्स मे नॉट बी अरेंज्ड ऑल्टरनेटली। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इन हाउ मेनी वेज कैन सिक्स बॉयज एंड फोर गर्ल्स बी अरेंज्ड इन अ रो सो दैट नो टू गर्ल्स सिट टूगेदर? कोई बात नहीं, नो टू गर्ल्स सिट टूगेदर के लिए पहले लड़का लोग को अरेंज कर दो, पहले लड़का लोग को अरेंज कर दिया, अब जगह खोजो, तो सिक्स फैक्टोरियल इंटू सेवन पी फोर, सिक्स फैक्टोरियल इंटू सेवन पी फोर, हाँ दो लड़की को साथ में नहीं बैठाना है, तो दो लड़की को साथ में नहीं बैठाना है तो पहले लड़का लोग को अरेंज करना पड़ेगा, सिक्स बॉयज का सिक्स फैक्टोरियल, अब जगह सात है लेकिन लड़की चार ही है तो इंटू सेवन पी फोर, इफ दे आर एलोकेटेड सीट्स इन द क्रॉस्ड एरिया तो कोई भी कीमत में दो लड़की साथ में नहीं बैठेगी, आइदर दे आर इन बिटवीन बॉयज और दे आर एट द बिसाइड बॉयज, ना जब ऑल द गर्ल्स आर नॉट टुगेदर बोलता तो वैसे कर सकते थे, सबको एक मान लेते फिर टोटल से माइनस कर देते। नेक्स्ट, फाइंड द नंबर ऑफ थ्री डिजिटेड नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स दिस दिस दिस, ईच डिजिट ऑकरिंग वंस इन ईच नंबर। सो सिंपल भैया, तीन डिजिट का नंबर बनाना है और हर डिजिट को आप एक ही बार यूज कर सकते हो, सिक्स पी थ्री, एग्जाम्पल सेवन, सिक्स पी थ्री, देयर आर सिक्स डिजिट्स अवेलेबल एंड वी नीड टू फॉर्म ओनली थ्री डिजिटेड प्लेस, वी नीड टू फॉर्म ओनली थ्री डिजिटेड प्लेस, वी नीड टू फॉर्म ओनली थ्री डिजिटेड प्लेस। सिक्स पी थ्री इज क्लियर है ना? नेक्स्ट, फाइंड द नंबर ऑफ फोर डिजिटेड ऑड नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स वन कॉमा टू कॉमा थ्री कॉमा फोर कॉमा फाइव कॉमा सिक्स कॉमा सेवन यूजिंग ईच डिजिट ओनली वंस इन ईच नंबर। हाँ बोला है तो ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ फोर डिजिट ऑड नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यूजिंग ईच डिजिट ओनली वंस। हम चार जगह बजाएंगे, हम चार जगह बनाएंगे और लास्ट प्लेस को सर्कल करके लिखेंगे रेस्ट्रिक्टेड,
लास्ट प्लेस को सर्कल करके लिख दो रेस्ट्रिक्टेड, क्योंकि लास्ट प्लेस ऑड हुआ तो पूरा नंबर ऑड होगा, तो लास्ट प्लेस में क्या बैठ सकता है 1, 3, 5, 7, तो लास्ट प्लेस का अरेंजमेंट क्या होगा 4P1, 4P1 होता 4 होता है, लास्ट प्लेस को सर्कल करके लिखा रेस्ट्रिक्टेड, लास्ट प्लेस को सर्कल करके लिखो रेस्ट्रिक्टेड एंड यू मेंशन ओवर देयर दिस द यूनिट्स प्लेस कैन बी फिल्ड अप विथ अ ऑड डिजिट ओनली, द यूनिट्स प्लेस कैन बी फिल्ड अप विथ एन ऑड डिजिट ओनली, तो लास्ट प्लेस के लिए 4P1 हो गया, लास्ट प्लेस के लिए 4P1, अब जगह बचा 3 और डिजिट बचा 6, एक डिजिट यहां बैठ जाएगा तो जगह कितना बच रहा है 3 और डिजिट अवेलेबल कितना है, लिखो आफ्टर अरेंजमेंट ऑफ द यूनिट्स प्लेस, आफ्टर अरेंजमेंट ऑफ द यूनिट्स प्लेस नंबर ऑफ डिजिट्स अवेलेबल 6, नंबर ऑफ डिजिट्स अवेलेबल 6 एंड नंबर ऑफ प्लेसेस अवेलेबल 3, नंबर ऑफ प्लेसेस अवेलेबल 3, तो वो आंसर में क्या लिखेंगे, लिखेंगे नंबर ऑफ 4 digited odd numbers, नंबर ऑफ 4 digited odd numbers, नंबर ऑफ 4 digited odd numbers, 4P1 × 6P3, 4P1 × 6P3, 4P1 × 6P3, बार बार लास्ट क्लास भी बोले थे आज भी बोल रहे हैं, वी नीड टू फर्स्ट सॉल्व द रेस्ट्रिक्शन पार्ट एंड देन फ्रीली अदर पार्ट्स कैन बी सॉल्व्ड, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल 9, हाउ मेनी नंबर्स लाइंग बिटवीन 1000 एंड 10000 कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ईच डिजिट ऑकरिंग ओनली वंस इन ईच नंबर, ईच डिजिट ऑकरिंग वंस इन ओनली ईच नंबर, पहला बात तो 1000 से 10000 के बीच में ओनली 4 digited numbers कैन बी फॉर्म्ड, लिखो अ नंबर लाइंग बिटवीन, अ नंबर दैट लाइज बिटवीन 1000 एंड 10000 इज अ 4 digited number, ये पहला बात लिखो, अ नंबर दैट लाइज बिटवीन 1000 एंड 1000 इज अ 4 digited number अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड, नेक्स्ट पॉइंट, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड अ नॉर्मल नंबर कैन नॉट स्टार्ट विथ 0, कुछ बोला नहीं है सम में, जैसे लॉक कोड में 0 अलाउ होता है, टेलीफोन नंबर में 0 अलाउ होता है, लेकिन नॉर्मली आप एक कोई नंबर बोल रहे हैं तो उसमें 0 पहले नहीं हो सकता, अ नंबर कैनॉट स्टार्ट विथ 0 अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड अ नंबर कैनॉट स्टार्ट विथ 0, तो यहां पर रेस्ट्रिक्शन इज ऑन द फर्स्ट प्लेस, यहां पर रेस्ट्रिक्शन इज ऑन द फर्स्ट प्लेस, तो हम ये 4 जगह बनाएंगे, पहला वाला जगह को सर्कल करके लिख देंगे रेस्ट्रिक्शन, पहला वाला जगह को सर्कल करके लिख देंगे रेस्ट्रिक्शन, कैनॉट स्टार्ट विथ 0, कैनॉट स्टार्ट विथ 0, तो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 7 ways, 7P1, फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 7P1 ways, ठीक है। नाउ प्लेसेस अवेलेबल 3, डिजिट्स अवेलेबल 7, लिखो प्लेसेस अवेलेबल थ्री डिजिट्स अवेलेबल 7, ब्रैकेट में इंक्लूडिंग 0, देयरफॉर नंबर ऑफ 4 digited numbers दैट लाइज बिटवीन 1000 एंड 10000, देयरफॉर नंबर ऑफ 4 digited numbers दैट लाइज बिटवीन 1000 एंड 10000 इज इक्वल्स टू 7P1 × 7P3, 7P1 × 7P3, 7P1 × 7P3, अब लिखेंगे ऑल्टरनेटिव मेथड, लिखेंगे ब्रैकेट में इजियर, ऑल्टरनेटिव मेथड लिखे लिखेंगे ब्रैकेट में इजियर, भैया 0 से स्टार्ट नहीं हो सकता ना, तो हम टोटल पॉसिबल नंबर निकाल लेंगे और माइनस नंबर स्टार्टिंग विद 0 कर देंगे,
Step 1, find out all the possible 4-digit numbers. 8P4, find out all the possible 4-digit numbers. क्या आएगा? 8P4 आएगा. Step 2, find out numbers starting with 0. Find out numbers starting with 0. Find out numbers starting with 0. तो 7P3, step 3 क्या होगा? Step 1 minus step 2. Step 3 क्या होगा? Step 1 minus step 2. Step 3 क्या होगा? Step 1 minus step 2. Next question is very, very, very important. Next question is very, very, very important. How many 4-digit even numbers can be formed with the digits 0, 1, 2, dot, 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 7, each digit occurring once in each number? Each digit occurring once in each number. So, we start with 4 places. Now I have a question. There are 2 possible situations. A number is ending with 0, a number is not ending with 0. If a number is ending with 0, it solves my both the purpose. It is an even number as well as restriction not to start with 0 in the first place is also eliminated. If we are utilizing 0 at the units place, तो वो टेंशन तो खत्म हो जाएगा ना कि जीरो फर्स्ट प्लेस में आएगा. तो हम लोग इसको क्या करेंगे? केस वन केस टू करके करेंगे. केस वन व्हेन द नंबर एंड्स विद जीरो. केस वन व्हेन द नंबर एंड्स विद जीरो. केस टू व्हेन द नंबर एंड्स विद एनी अदर इवन डिजिट एक्सेप्ट जीरो. व्हेन द नंबर एंड्स विद एनी अदर इवन डिजिट एक्सेप्ट जीरो ब्रैकेट में 2, 4, 6 ब्रैकेट में 2, 4, 6 केस वन व्हेन द नंबर एंड्स विद जीरो. केस टू व्हेन द नंबर एंड्स विद एनी अदर इवन डिजिट एक्सेप्ट जीरो और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? 2, 4, 6. तो पहले केस वन सॉल्व करेंगे. केस वन लिख के 4 जगह बनाओ और लास्ट में 0 बैठा दो. केस वन लिख के 4 जगह बनाओ लास्ट में 0 बैठा दो. तो आंसर क्या होगा? 7P3. केस वन लिख के 4 जगह बनाओ लास्ट में 0 बैठा दो. तो आंसर क्या होगा? 7P3. केस टू लिखो. केस टू लिखा. केस टू में 4 जगह बनाओ. केस टू में 4 जगह बनाओ. केस टू में 4 जगह बनाया. 2 फिक्स करो. सिर्फ 2 फिक्स करो. हम अच्छा टेक्निक बता रहे हैं. सिर्फ 2 फिक्स करो. अब जब 2 फिक्स कर दिया है वहां पर, ठीक है, जब 2 फिक्स कर दिया है तो फर्स्ट प्लेस के लिए नॉर्मली अवेलेबल कितना है? बट हम लोग क्या करेंगे? 6, क्योंकि 0 नहीं यूज हो सकता. अब जगह कितना बचा? 6, 2 जगह बचा और डिजिट्स कितना बचा? 6, क्योंकि 2 यूज हो चुका है. तो लिखो, फिक्सिंग आइदर 2 और 4 और 6 इन द लास्ट प्लेस एट फर्स्ट देन फिक्सिंग द फर्स्ट प्लेस विद द अवेलेबल डिजिट्स एक्सेप्ट 0 देन फिक्सिंग द फर्स्ट प्लेस विद द अवेलेबल डिजिट्स except 0 and finally arranging the middle 2 places with the remaining digits and finally arranging the middle 2 places with the remaining digits. So answer kya ho jayega? 3P1 into 6P1 into 6P2.
3P1 for the last place into 6P1 for the first place into 6P2 for the middle place. Find it out. 3P1 into 6P1 into 6P2. तो पहला केस में 210 आ रहा आंसर, दूसरा केस में आएगा 540. पहला केस 7P3. अरे नंबर जीरो में बंद कर दो, तो तीन जगह बचा. जीरो में एंड हो रहा, तो बाद में जीरो कहां से आएगा? तो केस वन का आंसर इज 210. दो केस बना ना, और आइदर यू और है तो और में प्लस होगा. क्या चीज? एक सेकेंड. हाँ बोलो. तो हम तो इसको दो पार्ट में बांट दिए, तो एक बार जब जीरो से खत्म हो रहा है, एक बार जब 246 से खत्म हो रहा है. क्योंकि अगर जीरो से खत्म हो रहा है तो फर्स्ट प्लेस का रेस्ट्रिक्शन एलिमिनेट हो जा रहा है, बिकॉज जीरो वी आर यूटिलाइजिंग एट द लास्ट प्लेस. तो टोटल आंसर होगा 210 प्लस 540 7P3 केस वन का. केस वन का क्या लिखा है? 7P3 210 और केस टू में 540 आ रहा है, दोनों को जोड़ दो 750. देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ फोर डिजिटेड इवन नंबर्स 750. देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ फोर डिजिटेड इवन नंबर्स 750. देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ फोर डिजिटेड इवन नंबर्स 750. क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट, हाउ मेनी नंबर्स नॉट मोर देन फोर डिजिट्स can be formed with the digits 5, 6, 7 when there is no restriction on the repetition of the digit. कितना बार भी यूज कर सकते हैं. इसका मतलब होता है when there is no restriction, इसका मतलब एक डिजिट को आप एक नंबर में कितना बार भी यूज कर सकते हैं. बट नॉट मोर देन फोर बोला हमको, मतलब आई कैन आइदर फॉर्म सिंगल डिजिट, टू डिजिट, थ्री डिजिट, फोर डिजिट. The number may be 1, 2, 3 or 4 digited. अब हर place में कोई भी तीन number आ सकता है. Every place में कोई भी तीन आ सकता है. तो answer क्या होगा? 3 plus 3 square plus 3 cube plus 3 to the power 4. क्योंकि यहां पर तो 3 हो गया. ये 3 into 3, ये 3 into 3 into 3, ये 3 into 3 into 3 into 3. तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 plus 3 square plus 3 cube plus 3 to the power 4. साफ साफ तो बोला है रिपीटेशन अलाउड है. तो पहला प्लेस के लिए क्या होगा? ये अलग अलग केस है. ये एक वन डिजिट, टू डिजिट, थ्री डिजिट, अलग अलग केस है. तुमको तो बोला है नॉट मोर देन फोर डिजिट्स. इसका मतलब तुम वन डिजिट भी यूज कर सकता है, टू भी यूज कर सकता है, थ्री भी यूज करता है, फोर भी यूज कर सकता है. इट विल बी 3 plus 3 square plus 3 cube plus 3 to the power 4. सो 3 plus 9 plus 27 plus 81. 3 plus 9 plus 27 plus 81. 3 plus 9 plus 27 plus 81. Is the answer. Next, क्या बोला है? Find the number of three digited numbers repetition allowed such that at least one of the digit is 9. एटलीस्ट वन ऑफ द डिजिट इज 9. हम बार बार बोल रहे हैं, जब भी एटलीस्ट वन पूछेगा एग्जाम में, टोटल माइनस नन, टोटल माइनस नन, टोटल पॉसिबल थ्री डिजिट माइनस थ्री डिजिटेड विदाउट 9.
ठीक है. अच्छा नंबर बोला है, अगेन इट कैन नॉट स्टार्ट विथ जीरो, तो तुम तीन जगह बनाओ. स्टेप वन, टोटल नंबर ऑफ थ्री डिजिटेड नंबर्स. स्टेप वन, टोटल नंबर ऑफ थ्री डिजिटेड नंबर्स. टोटल नंबर ऑफ थ्री डिजिटेड नंबर्स. हम लोग तीन जगह बनाए, पहला वाला में नाइन, फिर टेन टेन, ऑल टुगेदर दस डिजिट होता है ना. पहला वाला में जीरो यूज नहीं हो सकता इसलिए नाइन, बाकी सब में तो कोई भी दस डिजिट यूज हो सकता है. तो आंसर क्या होगा, नाइन इंटू टेन इंटू टेन, नाइन हंड्रेड. नाइन इंटू टेन इंटू टेन, नाइन हंड्रेड. स्टेप टू, टोटल नंबर ऑफ थ्री डिजिटेड नंबर, टोटल नंबर ऑफ थ्री डिजिटेड नंबर विदाउट द डिजिट नाइन, विदाउट द डिजिट नाइन. वापस से हम तीन जगह बनाएंगे, एक तुच्छ प्राणी को बाहर निकाल दिए, तो पहला वाला में एट, फिर नाइन नाइन, इट इज कमिंग टू 648. तो स्टेप थ्री क्या हो जाएगा, 900 माइनस 648. स्टेप थ्री क्या हो जाएगा, 900 माइनस 648 दैट इज 252. 900 माइनस 648 दैट इज 252. 900 माइनस 648 दैट इज 252. क्लियर. नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एंड ये कॉमन सेंस है, इसमें परम्यूटेशन कुछ नहीं लग रहा है, नॉर्मल कॉमन सेंस है इस क्वेश्चन में. फाइंड द सम ऑफ ऑल द नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 2, 5, 7, 8, 9. ईच नंबर कंटेनिंग ऑल द डिजिट वंस. इस स्टेटमेंट का मतलब हुआ कि फाइव डिजिटेड नंबर बनाना है हम लोग को. बोला ना, हर नंबर को एक बार यूज करना हर नंबर में, हर डिजिट को एक बार यूज करना हर नंबर में, मतलब फाइव डिजिटेड नंबर. अब तुम लॉजिकली सोचो, नंबर टू से स्टार्ट हो सकता है, नंबर फाइव से भी स्टार्ट हो सकता है, नंबर सेवन से भी स्टार्ट होगा, नंबर एट से भी स्टार्ट होगा, नंबर नाइन से भी स्टार्ट होगा. सिमिलरली नंबर टू पे खत्म हो भी सकता है, नंबर फाइव पे भी खत्म हो सकता है नंबर. इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से मेरा बात सुनना. हम पांच जगह बनाया और लास्ट में टू फिक्स कर दिया. हम पांच जगह बना के लास्ट में टू फिक्स कर दिया. हाउ मेनी नंबर्स यू विल गेट लाइक दिस, 24. यस, इफ अ प्लेस इज फिक्स्ड, 4 factorial ना, मतलब देर आर 24 नंबर्स एंडिंग विथ 2. सिमिलरली देर आर 24 नंबर्स एंडिंग विथ 5, 7, 8, and 9. तो हर प्लेस का टोटल तो सेम होगा, 2 + 5 + 7 + 8 + 9 × 24. तो यूनिट्स प्लेस विल हैव अ टोटल ऑफ दिस, टेंस प्लेस विल हैव अ टोटल ऑफ दिस, बट उसका वैल्यू में × 1 × 10 × 100 हो जाएगा. सम निकालने बोला है, ध्यान से दिमाग लगाओ, सम निकालने बोल रहा है. तो हर नंबर जो 2 से खत्म हो रहा है, ऐसा कितना नंबर है जो 2 से खत्म हो रहा है, 24. तो 24 तो 2 वाला जब नंबर तुम लिखेगा तो यूनिट्स प्लेस का एडिशन क्या आएगा, 48. यूनिट्स प्लेस का एडिशन क्या होगा, 24 × 2 + 24 × 5 + 24 × 7 + 24 × 8 + 24 × 9. ये मेरा यूनिट्स प्लस का एडिशन हुआ. सिमिलरली जब हम टेंस प्लेस करेंगे तो 24 × 2 करने से नहीं चलेगा, 24 × 2 × 10, क्योंकि वो टेंस प्लेस में आता है. इसीलिए वो तो बात का बात हम समझा रहे हैं अभी, कि देर आर 24 नंबर्स एंडिंग विथ 2. सिमिलरली देर आर 24 नंबर्स एंडिंग विथ 5. सिमिलरली देर आर 24 नंबर्स एंडिंग विथ 7, 8, and 9. सो यूनिट्स प्लेस का टोटल आ गया मेरा, विच इज से फॉर एग्जाम्पल 744. तो ये 744 जो टोटल है सम ऑफ द डिजिट्स, ये टेंस प्लेस का भी तो सेम ही होगा, बिकॉज देर विल बी 24 नंबर्स इन विच 2 इज कमिंग एट द सेकेंड प्लेस, 5 इज कमिंग एट द सेकेंड प्लेस. ठीक है, तो लिखो, बाय द क्वेश्चन
by the question, we have to form 5-digited numbers. By the question, we have to form 5-digited numbers. Therefore, using all the digits once, we can form 5 factorial numbers. Therefore, using all the digits once, we can form 5 factorial numbers. That is altogether 120 numbers. That is altogether 120 numbers. Self note likho. Self note likho. Sums chahta kya hai? Self note likho. Sums chahta kya hai? What does the sums want? Self note likho. What does the sums want? Answer. Total of these 120 numbers. Wrong. They do not want the total of this 120 number. Want the sum of all the numbers? Yes. They want what? Total of all the numbers. Find the sum of all the numbers. Find the sum of all the numbers. Find the sum of all the numbers. Not digits. Find the sum of all the numbers. Let me explain you. 12 plus 22 plus 32 plus 42 plus 52. We see here that 2 is fixed. So what we can do? 2 into 5, 10. 1 gets carry forward. 1 gets carry forward. Similarly, यहाँ पर भी वैसा ही हो रहा है. तुम logically सोचो, अगर 744 is the total of the units place, तो every place will have a total of 744, but every place does not have the same unit. Every place does not have the same unit. Units place has got the value 1, tens place has got the value 10, 100 place has got the value 100. इसीलिए यहाँ पे last में हम multiply कर रहे हैं. हर प्लेस का सम ऑफ द डिजिट्स का टोटल 744 ही आएगा, लेकिन उसका वैल्यू तो इंक्रीज होगा ना, जीरो बढ़ते जाएगा साथ में. तो लिखो लिखो टोटल नंबर्स 120 है, बता रहे अब 120 नंबर्स है. इसका मतलब 5 डिजिट है, हर डिजिट से खत्म होने वाला 24 नंबर्स होगा. 120 बाय 5 करके लिखो. नहीं, रिपीटेशन नहीं है. तो 5 जगह 5 डिजिट, जैसे 5 फैक्टोरियल हो रहा है, 5p5. रिपीटेशन होता तो 5 to the power 5 हो जाता. तो नहीं मानते, अनलेस अदरवाइज. बोला तो है ईच नंबर काउंटिंग ऑन वंस. हाँ नहीं है तो लिखो. आउट ऑफ द अबव फॉर्म नंबर्स 24 नंबर एंड्स विद 2, 5, 7, 8, 9 रेस्पेक्टिवली. आउट ऑफ द अबव फॉर्म नंबर्स 24 नंबर एंड्स विद 2, 5, 7, 8 and 9 रेस्पेक्टिवली. देयरफॉर सम ऑफ द नंबर्स इन द यूनिट्स प्लेस 24 into 2 plus 24 into 5 plus 24 into 7 plus 24 into 8 plus 24 into 9. 24 into 2 plus 24 into 5 plus 24 into 7 plus 24 into 8 plus 24 into 9 is equals to 24 into bracket open karke 2 plus 5 plus 7 plus 8 plus 9 is equals to 24 into bracket mein 2 plus 5 plus 7 plus 8 plus 9. It is coming to 744. Similarly, some of the numbers in tens place, 100 place, 1000 place and 10,000 place can be found. Similarly, some of the numbers in tens place, 100 place, 1000 place and 10,000 place can be found. Therefore, required sum is equals to
therefore required sum is equals to 744 into 10,000 plus 744 into 1,000 plus 744 into 100 plus 744 into 10 plus 744. 744 into 10,000 plus 744 into 100,000 plus 744 into 100 plus 744 into 10 plus 744 into 1. Kitna aa raha hai? Kitna aa raha hai? Ab log m plus use kar lo na, 744 into 10,000 m plus, फिर डिवाइड बाय 10 एम प्लस, फिर डिवाइड बाय 10 एम प्लस, फिर डिवाइड बाय 10 एम प्लस, ठीक है ना? चलिए, लिखिए पहला क्वेश्चन. NP 290 कैसे करेंगे एग्जाम में? आप लोग पहले पूरा एबीसीडी पूरा कॉपी कर लीजिए, फिर मैं सॉल्व कराऊंगा आपको. शॉर्ट आंसर टाइप का एबीसीडी पूरा कॉपी कर लीजिए, फिर मैं सॉल्व कराऊंगा आपको. NP 290, NP 3 120, NP 4 equals to 9 into NP 3, NP 3 is to n plus 2P 3, और लास्ट में आ रहा है 2n minus 1PN is to 2n plus 1PN minus 1 PN minus 1. ठीक है, someone please write down the answer also. 10 6 12 7 4, 10 6 12 7 4, ठीक है. चलिए, क्लियर? पहला सम्स क्या था बताइए. NP2 इक्वल्स टू 90, तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिखेंगे NP2 इक्वल्स टू 10 इंटू 9. नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ये लिखेंगे और NP2 इक्वल्स टू 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल बाय 8 फैक्टोरियल. और NP2 इक्वल्स टू 10 फैक्टोरियल बाय 10 माइनस 2 फैक्टोरियल. और NP2 इक्वल्स टू 10P2, देयरफॉर N इज इक्वल्स टू 10, देयरफॉर N इज इक्वल्स टू 10, देयरफॉर N इज इक्वल्स टू 10. ठीक है, पहला क्वेश्चन क्लियर है. नेक्स्ट वाला क्या था बताइए मेरे को. NP3 इक्वल्स टू 120 और NP3 इक्वल्स टू 6 × 5 × 4. तीन नंबर में कंसेक्यूटिव ब्रेक करना है, फैक्टर तीन दिया हुआ ना यहां पर, थ्री है NP3 है, तो तीन कंसेक्यूटिव नंबर में ब्रेक करना है. हाँ, नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे हम लोग. NP3 equals to 6 factorial by 3 factorial. NP3 equals to 6 factorial by 3 factorial. Or NP3 equals to 6P3. Therefore, N is equals to 6. Same last sums ki tarah tha. Is sum mein hum log ka
तीन फैक्टर वाला दिया बस, यहां तक क्लियर है? हो गया आपका? सी नंबर क्या बोला है? एनपी फोर इक्वल्स टू इंटू एनपी थ्री। देखिए ध्यान से, एन एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री इज इक्वल टू नाइन इंटू एन, इंटू एन माइनस वन, इंटू एन माइनस टू। है ना, कैंसिल हो रहा है। देयरफॉर एन माइनस थ्री इक्वल्स टू नाइन और एन इक्वल्स टू ट्वेल्व। देयरफॉर एन माइनस थ्री इक्वल्स टू नाइन और एन इक्वल्स टू ट्वेल्व। ठीक है, नेक्स्ट डी नंबर क्या है बोलो तू? फिफ्टीन बाई ठीक है, फाइव बाई ट्वेल्व। एनपी थ्री को क्या लिखेंगे? एन एन माइनस वन, एन माइनस टू बाई एन प्लस टू इंटू एन प्लस वन इंटू एन इक्वल्स टू फाइव बाई ट्वेल्व। एन एन विल गेट कैंसल्ड, एन एन विल गेट कैंसल्ड नाउ, और एन स्क्वायर माइनस थ्री एन प्लस टू इंटू ट्वेल्व इज इक्वल्स टू फाइव इंटू एन स्क्वायर प्लस थ्री एन प्लस टू। क्वाड्रेटिक बना लिया हम लोग, इसको सॉल्व करो तो 12n स्क्वायर माइनस 36n प्लस 24 माइनस 5n स्क्वायर माइनस 15n माइनस 10 इक्वल्स टू जीरो, विच इज कमिंग टू 7n स्क्वायर माइनस 51n प्लस 14। सही है क्या मेरा? 7n स्क्वायर माइनस 51n आएगा ना, प्लस 14 इक्वल्स टू जीरो। को ब्रेक करो, तो 7n माइनस 2 एक ऑप्शन बनेगा और n माइनस सेवन एक ऑप्शन बनेगा। तो n एक आएगा 2 बाई सेवन और 7, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो आंसर क्या होगा इनका? 7, ये तो पॉसिबल नहीं है, तो n का आंसर क्या आ जाएगा? 7। ठीक है ना, आगे बढ़े। ई नंबर क्या बोला? ई नंबर के लिए अच्छा, 2n माइनस वन पी एन, 2n प्लस वन एन माइनस वन इक्वल्स टू फाइव बाई थ्री। ठीक है, तो इसको मेरे को थोड़ा टेक्निकली सॉल्व करना पड़ेगा। और n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल, यहां पे तो उल्टा हो जाएगा ना, ऊपर में आएगा n माइनस r और नीचे में आएगा n फैक्टोरियल, बिकॉज npr क्या होता है? n माइनस r होल फैक्टोरियल।
एनपीआर क्या होता है, एन माइनस आर होल फैक्टोरियल। एनपीआर क्या होता है, एन माइनस आर होल फैक्टोरियल। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 2n-1 तो ये यही रहेगा, ये आपका हो जा रहा है n माइनस वन फैक्टोरियल इंटू एन प्लस टू फैक्टोरियल बाई 2n+1 इंटू 2n इंटू 2n-1 फैक्टोरियल इक्वल टू 5/3। तो हम लोग ये और ये कैंसिल कर दिए, अभी हम लोग लिखेंगे यहाँ पे n प्लस टू इंटू एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल बाई 2n+1 इंटू 2n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल। हाँ, एन प्लस टू इंटू एन प्लस वन इंटू एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल, वापस से मेरा कैंसिल हो जाएगा ये और ये, n और n कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा क्या बच रहा है वो देखो, ऊपर में बच रहा है n प्लस टू इंटू एन प्लस वन बाई 2 इंटू 2n+1 इक्वल्स टू 5/3 इक्वल्स टू 5/3 है ना। तो n स्क्वायर प्लस 3n+2 होल इंटू 3 इज इक्वल टू 5 इंटू 4n+2 3n² + 9n + 6 - 20n - 10 इक्वल्स टू 0। थ्री एन स्क्वायर माइनस 11n - 4 इक्वल्स टू 0। और 3n² - 12n + n - 4 इक्वल्स टू 0। तो 3n कॉमन आएगा तो n-4 प्लस 1 कॉमन आएगा तो n-4। तो 3n-1 और n-4 इक्वल्स टू 0 और n इक्वल्स टू -1/3 और 4। ये भाई पॉसिबल नहीं है, ठीक है। पार्ट टू कॉपी करो, पार्ट टू कॉपी करो। m प्लस एन पी टू इक्वल्स टू 90 और m माइनस एन पी टू इक्वल्स टू 12। बी क्या है इसका, एम प्लस एन पी थ्री इक्वल्स टू 1320 और एम माइनस एन पी थ्री इक्वल्स टू 120। ठीक है ना, चलिए टू पार्ट क्या बोल रहा है, एम प्लस एन पी टू इक्वल्स टू 90। थोड़ा देर पहले ही कराए थे वही स्टेप फॉलो करके एम प्लस एन का वैल्यू 10 आएगा इक्वेशन वन और एम माइनस एन पी टू इक्वल्स टू क्या है 12। तो एम माइनस एन क्या आ जाएगा 4। कैसे कन्वर्ट करना सिखा चुके हैं, हम लोग लिखेंगे एडिंग 1 एंड टू वी गेट, तो 2m इक्वल्स टू 14
or m equals to 7. 2m equals to 14 or m equals to 7. Putting m equals to 7 in equation 1, 7 plus n equals to 10 or n equals to 3. 7 plus n equals to 10 or n equals to 3. तो आंसर में लिखना है हम लोगों को m is equals to 7 comma n is equals to 3. m is equals to 7 comma n is equals to 3. ये हम लोग का था 2 का पार्ट ए. ऐसे पार्ट बी में क्या था बोलो? m minus n प्लस है क्या? m plus n p 3 is equals to 1320. तो m plus n क्या हो जाएगा? 12 into 11 into 10. और m minus n p 3 क्या है? भाई तुमको सीखना पड़ेगा ब्रेक कर तीन फैक्टर में. ऑब्वियसली अगर फोर नंबर है, अगर चार नंबर दिया हुआ है तो इट हैज टू बी मोर देन 10. 10 का क्यूब 1000 होता है. तो स्टार्ट 10 इंटू 11 इंटू 12, यू विल गेट दैट 120 है. कंसिक्यूटिव नंबर में ब्रेक करना, और कितना नंबर है तो पता ही है, तीन नंबर में ब्रेक करना है. हाँ, अगर ये नहीं पता रहता कि कितना नंबर में ब्रेक करना, वो डिफिकल्ट होता है. यहां तो पता ही है तीन कंसिक्यूटिव नंबर है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाओ. एम माइनस एन पी थ्री कितना है? 120. अब 120 क्या करेंगे? 1236 होता है. 2, 3, 6, 2, 3, 4 कितना होता है? 24. 3, 4, 5, 60. 4, 5, 6 हो गया मेरा, आ गया. 3, 4, 5 में मेरा आंसर आ गया, हो गया. तो m माइनस n कितना होगा? 5. 5 की 6, 6 होगा, सॉरी. एडिंग 1 एंड 2, वी गेट 2m equals to 18 or m equals to 9. 2m equals to 18 or m equals to 9. Putting m equals to 9 in equation 1, we get 9 plus n equals to 12 or n equals to 3. आंसर में क्या लिखेंगे? m9 कॉमा m3. m9 कॉमा m3. ठीक है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कर लेना. 4. There are 5 different buses running between Calcutta and Burdwan. In how many ways can a man go from a Calcutta to Burdwan and return by a different bus? Chalo, Calcutta se Burdwan ki taraf arrow nikalo. Likho 5 ways. Calcutta se Burdwan ki taraf arrow nikalo. Likho 5 ways. Aur Burdwan se Calcutta ki taraf arrow nikalo. 4 ways. कैलकाटा से बर्दवान की तरफ एरो निकालो 5 वेज. बर्दवान से कैलकाटा की तरफ एरो निकालो 4 वेज. देयरफॉर नंबर ऑफ वेज इन विच ही कैन गो एंड रिटर्न बाय अ डिफरेंट बस, देयरफॉर नंबर ऑफ वेज बाय विच अ मैन कैन गो एंड रिटर्न बाय अ डिफरेंट बस, देयरफॉर नंबर ऑफ वेज इन विच अ मैन कैन गो एंड रिटर्न बाय अ डिफरेंट बस इज इक्वल टू 5 इंटू 4 20. Is equals to 5 into 4, 20. Next. 15 passenger at certain railway line mein. How many different tickets of tickets must be printed so that a passenger can travel from any station to another? Likho. Likho. Self note. Hawala ka passenger. Hawala mein khada hoke Hawala ka ticket nahi katayega. Hawala ka passenger. Hawala mein khada hokar ke. हावड़ा का टिकट नहीं कटाएगा. फ्रॉम एवरी स्टेशन आई कैन
cut 14 tickets excluding that station, and how many stations are there? 15. So number of tickets kya hoga? 15 into 14. Likho. From every station, a person can buy 14 types of ticket. Therefore, number of tickets equals to 14 into 15, 210. 14 into 15, 210. 14 into 15, 210. Next, 5 letters, 5 envelopes. 5P5. 5 letters, 5 envelopes. 5P5. In how many ways can 5 letters be placed in 5 envelopes? Answer kya hoga? 5P5. Next, in how many ways can 3 chairs be filled up from 4%? 6P3. Question number 8 is very important. In how many ways can 4 prizes be distributed among 6 boys? Each boy is eligible only for 1 prize. Yahan to repetition allowed nahi hai. So 6P4. Lekin part B mein kya bola hai? पार्ट बी में बोला है ईच बॉय इज एलिजिबल फॉर एनी नंबर ऑफ प्राइज. तो पहला प्राइज कोई भी 6 जन को जा सकता है. तो लिखो पार्ट ए का आंसर. लिखो 4 बॉक्स बनाओ. बॉक्स के ऊपर में P1, P2, P3, P4. 4 बॉक्स बनाओ. P1, P2, P3, P4. अब बॉक्स के अंदर में क्या लिखेगा? 6543. तो आंसर क्या हो गया? 6 × 5 × 4 × 3 = 360. ठीक है. 6 × 5 × 4 × 3 = 360. पार्ट बी लिखो. 4 बॉक्स बनाओ. P1, P2, P3, P4. 4 बॉक्स बनाया. 6, 6, 6, 6. तो आंसर हो जाएगा 6 to the power 4, 1296. 6 to the power 4, 1296. 9 नंबर पढ़िए. How many numbers lying between 100 and 1000 can be formed with the digits 4, 5, 6, 8? Any digit can be used only once and there is no restriction. Chaliye, 3 jagah banaiye. Heading dijiye case A, when no repetition is allowed. Case A, when no repetition is allowed. 5P3 is the answer. When no repetition is allowed, 5P3 is the answer. 5P3 is the answer because we have got 3 places and 5 digits. Case B, when repetition is allowed. Bracket mein formula likho n to the power r. Yahan par n kitna hai? 5. Aur r kitna hai? 3. To 5 cube 125. Question number 10. How many 4-digit numbers can be formed with the digits this 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9? Bhai, 7 digits diya hai, dekh lo. 7 digits are there. Confuse karne ke liye aisa sam. Logo ka 9 diya hua hai. 9 nahi hai, beech mein 3 gayab hai, 7 gayab hai. There are only 7 digits present over here. To answer kya hoga? 7P4. Question number 10 ka answer likh lo. 7P4. Available digit 7. Number of places 4. Available digit 7, number of places 4. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 11. 4-digit odd numbers बोला है. देखो जब छोटा सम है ना तो बढ़िया से करना चाहिए. 4-digit odd numbers बोला और digits क्या दिया है? 1, 2, 3, 4 दिया है. चलिए 4 जगह बनाइए. 1 फिक्स कर दीजिए लास्ट प्लेस में. इसका आंसर क्या होगा? 3 factorial. अगर 1 फिक्स हो गया लास्ट प्लेस में तो 3 जगह 3 डिजिट 3 factorial. वापस से 4 जगह बनाइए. 3 फिक्स कर दीजिए उसका भी 3 factorial. तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 factorial + 3 factorial. 6 + 6 = 12. जितना सिंप्लीफाई करेंगे आप अपने लाइफ को उतना सिंप्लीफाई होगा. क्या चाहिए इंटू 3 बेटा? 3 तो फिक्स हो गया, 1 तो फिक्स हो गया, इंटू 3 क्यों करेगा? अगर हम लोग और लेके करते हैं, जैसे अब देखो 12 नंबर वाला सम देखो.
How many even numbers can be formed using each of the digits once? तो सात जगह बनाओ. ये once बोला है तो using once. सात जगह बनाओ. कौन सा? +3 factorial. सात जगह बनाया. लास्ट प्लेस को सर्कल करके लिखो. रेस्ट्रिक्शन आइदर टू और फोर और सिक्स. आइदर टू और फोर और सिक्स. इवन नंबर बोला है ना, तो या तो टू या तो फोर या तो सिक्स. तो 3P1 हुआ. अब छह जगह बचा और छह डिजिट बचा. 6 factorial. रिमेनिंग प्लेस के लिए क्या होगा? रिमेनिंग को लिखो, लिखो रिमेनिंग प्लेस सिक्स. रिमेनिंग प्लेस सिक्स. रिमेनिंग प्लेस सिक्स. एंड रिमेनिंग नंबर ऑफ डिजिट्स सिक्स. तो आंसर क्या हो जाएगा? 6P6 × 3P1. 6P6 × 3P1. 6P6 × 3P1. हाँ, टू और फोर और सिक्स. तो लास्ट प्लेस में कोई भी तीन में से कोई भी एक बैठेगा ना. तो 3P1. तो तीन अलग अलग केस है ना बेटा. अरे लास्ट प्लेस के लिए और बोल रहे हैं. लास्ट प्लेस के लिए तो नॉर्मली करेगा. 3 फिक्स कर 6 factorial आएगा. 4 फिक्स कर 6 factorial आएगा. 6 फिक्स कर 4 factorial 6 factorial आएगा. तो 6 factorial + 6 factorial + 6 factorial. ठीक है. 13 नंबर वाला खुद से ट्राई करें फटाफट. वेरी गुड. छह जगह बनाओ. 13 वाले में छह जगह बनाओ. लास्ट प्लेस को सर्कल करो. रेस्ट्रिक्शन लास्ट प्लेस को सर्कल कर लिखो. रेस्ट्रिक्शन आइदर वन और थ्री और फाइव. आइदर वन और थ्री और फाइव. तो लास्ट प्लेस का अरेंजमेंट होगा 3P1 और रिमेनिंग का हो जाएगा 5P5. ठीक है. चलिए नंबर थ्री में आइए. नंबर थ्री में आइए. फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड संडे. हाउ मेनी ऑफ दिस अरेंजमेंट बिगिन विथ एस. सुनो, इस क्वेश्चन का कितना पार्ट है पहले वो समझो. फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड संडे फुल स्टॉप पार्ट वन. हाउ मेनी ऑफ दिस बिगिन विथ एस पार्ट टू. हाउ मेनी बिगिन विथ एस बट डू नॉट एंड विथ वाई पार्ट थ्री. सेम सम्स हिस्ट्री के साथ हम लोग कर चुके हैं. हाँ, तो लिखो. 3 नंबर का पार्ट वन का आंसर 6 factorial. पार्ट वन का आंसर में 6 जगह बनाओ. पार्ट वन का आंसर में 6 जगह बनाओ और लिखो 6P6 6 factorial. पार्ट वन का आंसर में 6 जगह बनाओ. 6P6 6 factorial बनाया. पार्ट टू 6 जगह बनाओ. S फिक्स कर दो. 6 जगह बनाओ. S फिक्स कर दो. तो 5P5 5 factorial. पार्ट थ्री में 6 जगह बनाओ. S फिक्स करो. माइनस 6 जगह बनाओ. S और Y फिक्स करो. पार्ट थ्री में मेक 6 places. फिक्स X. फिक्स S. माइनस मेक 6 places. फिक्स X एंड Y. 5 factorial - 4 factorial. वेरी गुड. 120 - 24 = 96. 120 - 24 = 96. 120 - 24 = 96. Done. ये हो गया. चलिए आगे बढ़िए. इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड फादर बी अरेंज्ड. क्वेश्चन नंबर फोर लिखिए. पार्ट वन. क्वेश्चन नंबर फोर का पार्ट वन. इन हाउ मेनी वेज कैन लेटर ऑफ द वर्ड फादर बी अरेंज. आंसर होगा 6 factorial. आंसर होगा 6 factorial. पार्ट टू. टी ऑक्युपाइज द थर्ड प्लेस. 6 जगह बनाओ.
और टी को फिक्स कर दो थर्ड प्लेस में, छह जगह बनाओ, टी को फिक्स कर दो थर्ड प्लेस में, आंसर क्या आएगा 5 फैक्टोरियल। कैसे कंप्लीट नहीं हुआ, थर्ड पार्ट है वो तो, पार्ट टू हो गया, अब थर्ड पार्ट में आओ। पर ठीक से पढ़ो, इन हाउ मेनी ऑफ देम टी ऑक्यूपाइज द थर्ड प्लेस क्वेश्चन मार्क, उसके बाद आ रहा है थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में जाइए आप, टी ऑक्यूपाइज द थर्ड प्लेस मतलब यही वाला में, यहां टी बना दीजिए पार्ट थ्री में, और यहां टी और यहां पर आर, सेम क्वेश्चन खाली बस पोजीशन चेंज कर दिया, सेम क्वेश्चन पोजीशन चेंज कर दिया। दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट थ्री, ठीक है, यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट, अ लाइब्रेरी हैज 3 कॉपीज ऑफ 1 बुक, 4 कॉपीज ऑफ ईच ऑफ 2 बुक्स एंड 5 कॉपीज ऑफ ईच ऑफ 3 बुक्स एंड सिंगल कॉपी ऑफ 10 बुक्स। कॉलम बनाइए, एक एक्स का एक एफ का, कॉलम बनाइए एक एक्स का एक एफ का, एक्स के ऊपर लिखिए बुक्स, एफ के ऊपर लिखिए कॉपीज, ठीक है। एक्स में लिखिए आप B1, दिस इज B1, ये वन बुक जो बोला है B1 हो गया। एफ में लिख दीजिए 3, बुक 1 में लिखिए 3, फिर 2 अलग अलग कैटेगरी का बुक है तो B2, B3, 4, 4, B2, B3, 4, 4, एक्स में लिखिए B2, उसमें B3, B2 के नीचे B3, फिर 4, 4, अच्छा 5 कॉपीज ऑफ ईच ऑफ 3 बुक्स तो B4, B5, B6, 5, 5, 5, कितना हो गया B4, 5, 6 हो गया। तो अब B7 से लेकर B16 फ्रीक्वेंसी में 1, B7 से बुक 16 फ्रीक्वेंसी में 1, ठीक है, लिखो टोटल नंबर ऑफ बुक्स, टोटल नंबर ऑफ बुक्स 3 + 4 + 4 + 5 + 5 + 5 +1 × 10 कितना आ रहा है, 36 आएगा, काउंट करो, सिंगल कॉपी ऑफ 10 बुक्स, हाँ B7 से B16 तो 1 तुम 10 बार लिखिए थोड़ी, ठीक है। तो रिपीटेशन हो रहा है बुक्स का, रिपीटेशन डिवाइड कर दो, 36 factorial divided by 3 factorial into 4 factorial into 4 factorial into 5 factorial into 5 factorial into 5 factorial, 36 factorial by 3 factorial into 4 factorial into 4 factorial, फ्रीक्वेंसी कॉलम देखो 3, 4, 4, 5, 5, 5, बस हो गया, रिपीटेशन है वो, फाइव कॉइंस आर टॉस्ड इन हाउ मेनी वेज यू गेट 3 हेड्स। तो पार्ट ए का आंसर होगा 5P3/3 factorial, क्योंकि 3 हेड तो रिपीटेशन हो गया ना, सिमिलर 5 कॉइन उछाल रहे हैं, पांच कॉइन उछाल, हाउ मेनी गेट्स 3 हेड्स, तो 5 हेड बाई 5 में से 3 हेड by 3 factorial, क्योंकि अरे सिमिलर है तो 3 कॉइन में हेड के अलग अलग होता है, किसी का चोच बड़ा होगा, किसी का चोच छोटा होगा। हाउ डू यू फाइंड आउट विच इज द हेड, कौन ये पहला वाला हेड है भाई, यू फाइंड आउट 5 identical coins, ठीक है, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, ठीक है, इन एनी 3 प्लेस हेड विल अपियर, दैट्स इट, यू कैन नॉट अरेंज इट ना, सिमिलर चीज है तो इसीलिए रिपीटेशन हो रहा है, डिवाइड कर रहे हैं अपने,
सिमिलर चीज है. यू कैन जस्ट फाइंड आउट द पोजिशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड. मतलब बेसिकली दिस इज सिलेक्शन. ये सिलेक्शन हो गया. इसका अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है. क्यों? हेड्स आर सिमिलर आइटम. अल्टीमेटली दिस इज 5C3 ओनली. विल सी दैट लेटर. 5P3/3 factorial. डन. नेक्स्ट वाला क्या होगा? 5P4/4 factorial. 5P4/4 factorial. हा नेक्स्ट. तीन रेड फ्लैग है, चार ब्लू है, दो ग्रीन है. वेरी गुड. 9 factorial/3 factorial × 4 factorial × 2 factorial. 9 factorial/3 factorial × 4 factorial × 2 factorial. एट एग्जामिनेशन पेपर्स भी अरेंज. एग्जाम्पल में 10 लेके किए थे, यहां पर 8 लेके बोला है. एग्जाम्पल में 10 लेके किए थे, यहां पर 8 लेके बोला है. मोस्टली वी हैव कवर्ड ईच एंड एवरी सम. तो हमको लगता है कि हाँ, तो इसको प्रैक्टिस करके आइएगा. जो डाउट होगा पूछ लीजिएगा.